नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। अभी अभी खबरों का रुख कर लेते हैं। आलाकमान का संदेश लेकर चंडीगढ़ पहुंचे पंजाब प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस नेतृत्व का फैसला मानने के लिए तैयार हो गए हैं। कैप्टन को अब नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश प्रधान बनाए जाने पर एतराज नहीं है। सब ठीक रहा तो सोमवार को यानी कि कल सिद्धू के लिए पंजाब प्रधान पद पर घोषणा कर दी जाएगी। वहीं सूत्रों की माने तो सिद्धू की टीम में रखे जाने वाले 3 से 4 कार्यकारी प्रधानों का चयन कैप्टन की मर्जी से ही होगा। सिद्धू के मामले में नेतृत्व के संभावित फैसले से उखड़े कैप्टन ने अब फिर आस्था जताई है। हालांकि कैप्टन सोनिया गांधी की तरफ से स्पष्ट आश्वासन दिया गया है कि वो ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं सिद्धू बतौर प्रधान एक तरफा फैसला न ले, इसका संतुलन बनाने के लिए उनके साथ दूसरे बिरादरियों को साधने के लिए कैप्टन के सुझाए नामों पर ही विचार किया जाएगा। हालांकि सिसवा फार्म हाउस आवास पर कैप्टन से मुलाकात के बाद हरीश रावत जब मीडिया के सामने आए तो उनके बयान काफी नपे तुले रहे। रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन आलाकमान का फैसला मानने को सहमत है। सिद्धू को प्रधान बनाए जाने के बारे में पूछे गए सवाल पर रावत ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सूत्रों के अनुसार बातचीत के दौरान कैप्टन ने अपनी मंशा रावत के सामने रख दी है ताकि इसे आलाकमान तक पहुंचाया जा सके। और ये भी साफ हो गया है कि कैप्टन आलाकमान का फैसला अनिच्छा से मान रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर प्रधान पद के लिए सिद्धू के नाम का विधिवत ऐलान हो जाता है तो कैप्टन अपने मंत्रिमंडल में फिर फेरबदल करेंगे और इस बार किसी मंत्री बनाएंगे या फिर किसे कौन सा विभाग सौंपना है सारे फैसले कैप्टन ही लेंगे। साथ ही इन फैसलों में आलाकमान का कोई भी दखल नहीं होगा। तो बता दें लगातार पंजाब में सियासी उठापटक जारी है और इस बीच अब उम्मीद जताई जा रही है कि कल हो सकता है सिद्धू को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर दिया जाए और उन्हें प्रधान बना दिया जाए पार्टी का। और ऐसे में लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कल भी ये खबरें सामने आ रही थी कि पंजाब कांग्रेस में सिद्धू को लेकर कल कोई बड़ा ऐलान होने वाला है। हालांकि हरीश रावत भी कल चंडीगढ़ पहुंचे थे और अमरिंदर सिंह से उन्होंने मुलाकात की थी लेकिन उसके बाद भी कुछ जानकारी सामने नहीं आई थी। हालांकि हरीश रावत ने मीडिया से भी बातचीत की थी लेकिन उन्होंने कुछ साफ तौर पर कहने से मना कर दिया था। लेकिन ऐसे में अब एक बार फिर से उम्मीद जताई जा रही है कि सिद्धू को लेकर कल कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। तो बता दें पंजाब में सिद्धू को लेकर कल कोई बड़ा फैसला हो सकता है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कल सिद्धू को लेकर कोई बड़ा फैसला कांग्रेस पंजाब ले सकती है। पिछले कई दिनों से सियासी उठापटक पंजाब में देखने को मिल रही है। ऐसे में कई दिनों से उम्मीद जताई जा रही थी कि सिद्धू को लेकर पार्टी कोई बड़ा ऐलान करेगी लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा था। लेकिन एक बार फिर सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि कल सोमवार को सिद्धू को लेकर पार्टी कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। हालांकि हरीश रावत भी लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि अमरिंदर सिंह वही फैसला मानेंगे जो सोनिया गांधी की तरफ से लिया जाएगा। तो उम्मीद ऐसे में जताई जा रही है कल पंजाब कांग्रेस को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। सेवा भारती की 2 दिवसीय अखिल भारतीय बैठक के बाद वृंदावन में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 प्रांत वज परिश्रम और उत्तराखंड के प्रमुखों की बैठक में उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों का मुद्दा छाया रहा। प्रदेश में विधायक और मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड भी परखे गए। ये भी तय हुआ कि किसको टिकट मिलेगा और किसका कटेगा। टिकट बंटवारे के लिए जनता के साथ कार्यकर्ताओं की नजर से 4.5 साल के दौरान फेल और पास होने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। दरअसल केशव धाम में सर कार्यवाह हौसबले के नेतृत्व में पश्चिमी क्षेत्र की बैठक का शनिवार को अंतिम दिन रहा और घंटों चली ये मैराथन बैठक में प्रदेश भर के बीजेपी विधायक और मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड देखे गए। संगठन ने बैठक से पहले ही गोपनीय तरीके से सर्वे कराकर जनप्रतिनिधियों के कार्यकल्पाओं पर पूरा ब्यौरा एकत्रित कर लिया था और ये जानकारी संगठन के बीजेपी के
कार्यकर्ताओं और आम लोगों से एकत्रित की गई थी। बता दें कई के रिपोर्ट कार्ड इतने खराब थे कि उन पर चर्चा तक नहीं की गई। सूत्र बताते हैं कि संघ ने ऐसा पैमाना तय किया है कि जिस पर खरा उतर पाना आसान नहीं है, जो कसौटी पर खरा उतरेगा वही टिकट पाएगा। साथ ही साथ सर सह कार्यवाह ने पश्चिमी क्षेत्र के प्रचारकों से इस मुद्दे पर गहन मंथन भी किया और आने वाले 8 महीने में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में जीत कैसे हो इस पर चर्चा लगातार केंद्रित हो रही है। वहीं चुनाव आगामी 2024 के आम चुनाव की दृष्टि से भी खासे महत्वपूर्ण है। जनता और कार्यकर्ताओं में विधायक और मंत्री की छवि, समस्याओं के निराकरण में कितना वक्त संगठन पार्टी में तालमेल, विकास कार्य में कितना सहयोग, क्षेत्र में कितना वक्त दिया और इन सब के बारे में सर सह कार्यवाह ने प्रचारकों से उनकी राय भी जानी। बता दें बैठक में क्षेत्र प्रचार प्रमुख महेंद्र, प्रांत प्रचारक हरीश रौतेला, धर्म जागरण प्रमुख ब्रज प्रांते दिनेश, क्षेत्रीय प्रचारक प्रमुख जगदीश, प्रमुख उत्तराखंड मेरठ और ब्रज प्रांत पदम सिंह, केशव धाम के निदेशक ललित कुमार, विभाग प्रमुख गोविंद राजकुमार, डॉक्टर संजय मनोज सिंह, प्रताप सिंह, महेश चंद्र, अरुण शर्मा के अलावा विभाग प्रचारक भी इस बैठक में शामिल हुए थे। टीकाकरण को लेकर विकसित और विकासशील देशों की तुलना में गरीब देशों में झिझक कम है, एक नए अध्ययन के बाद शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है। दरअसल नेचुरल मेडिसिन नाम से जर्नल में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई निम्न और मध्यम आय वाले देश टीकाकरण को लेकर ज्यादा सजग हैं और उनमें भ्रम की स्थिति कम है। वहीं यूरोपीय देशों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण में शामिल करने के लिए प्रोत्साहन और सजा का फंडा भी अपना रहे हैं। शोध के मुताबिक निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 91% लोग मानते हैं कि टीकाकरण जरूरी है और इसी को लेकर उनके मन में बहुत ज्यादा भ्रम नहीं है। वो पूरी तरह से स्पष्ट हैं कि कौन सा टीका लगवाना है और कौन और समझते हैं कि टीके का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। यहां पर सिर्फ 44% लोग ही टीके से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये लोग टीका लगवाने से झिझकते नहीं हैं। शोध में जून 2020 से जनवरी 2021 तक के आंकड़ों के आधार पर बनाया गया है। बता दें शोध के मुताबिक इन देशों के लोग टीके से जुड़े तमाम सवालों को लेकर सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के लोगों की राय ही लेते हैं और उस पर भी भरोसा करते हैं। यही वजह है कि इन देशों में झिझक काफी कम है। ये शोध तक आया है कि इन देशों तक टीकों की पहुंच सीमित ही है। शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर इन देशों में टीके पहले पहुंचते हैं तो वैश्विक टीकाकरण के लक्ष्य को जल्द ही हासिल किया जा सकता है। यहां पर टीकों का महत्व लोग अच्छे से समझ रहे हैं, ऐसे में यहां जल्द से जल्द लोगों को टीका भी लगाया जा सकता है। वहीं इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर, इनोवेशन फॉर पॉवर्टी एक्शन और WJDB, बर्लिन सोशल साइंस सेंटर, द येल इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ और द येल रिसर्च इनिशिएटिव ऑन इनोवेशन एंड स्केल और मॉस्को की HSE यूनिवर्सिटी इस सर्वे में शामिल हुए थे। बता दें डेल्टा पर लगाम लगाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण में शामिल करने के लिए यूरोपीय देश प्रलाभन और सजा का फंडा अपना रहे हैं। यहां लोगों को टीका लगवाने पर तोहफे देने से लेकर वैक्सीन की डोज समय पर नहीं लेने वालों को जमाने की सजा दी जाती है और सबसे पहले ये नीति ग्रीस ने अपनाई थी। बता दें वहां शुक्रवार को ऐलान किया गया था कि सिर्फ टीकाकरण प्रमाण पत्र वालों को ही रेस्टोरेंट, बार, कैफे और सिनेमा घरों में प्रवेश मिलेगा। वहीं इन जगहों में घुसने वाले बच्चों की नेगेटिव रिपोर्ट भी अनिवार्य ही होगी। इसी तरह रूस की राजधानी मॉस्को में भी इस तरह की पाबंदियों को लागू किया गया है। यहां भी रेस्टोरेंट मालिकों को निर्देश दिए गए हैं जिनमें साफ है कि सिर्फ टीकाकरण कराने वालों को ही प्रवेश दिया जाए और इसी तरह इटली, फ्रांस और ग्रीस ने खास पेशों के लिए टीकाकरण को अनिवार्य कर दिया है। तो बता दें टीकाकरण गरीब देशों में सबसे कम झिझक लोगों में देखने को मिल रही है। गरीब देशों में टीकाकरण काफी ज्यादा हो रहा है और लोगों के मन में किसी भी तरह का कोई भी सुझाव नहीं आ रहा है कि टीकाकरण कराना है या नहीं कराना है। तो यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा टीकाकरण हो रहा है।
कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट और टीके के प्रभाव को लेकर पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से राहत की खबर दी है। बता रहे वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया है कि टीका डेल्टा वेरिएंट के कारण मौत के मुंह में जाने से बचाने में 99% तक सुरक्षित है। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि कुल 677 लोगों को स्वैब सैंपल की जीनोम सिक्वेंसिंग के बाद आए नतीजों के बाद ये किया गया है। बता दें इनमें से 592 लोगों ने टीके की दोनों डोज लगवा ली थी, जबकि 85 लोगों को टीके की एक खुराक ही लगी थी। वैज्ञानिकों ने पाया है कि दोबारा संक्रमण में अधिकतर मामले डेल्टा वेरिएंट से जुड़े थे। टीका लगने के बाद सिर्फ 9.8% लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आई थी, जबकि सिर्फ 0.4% मरीजों की मौत हुई। इस आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि टीका डेल्टा की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वाले के साथ मौत के खतरे को भी कम करता है। साथ ही साथ शोध में शामिल मरीजों की औसत उम्र 31 से 56 साल के बीच थी। बता दें इसमें 65.1% पुरुष थे, जबकि 71% मरीजों में लक्षण थे। 70% में बुखार सामान्य लक्षण था। इसके साथ ही 56% में बदन दर्द, सिर दर्द, जबकि 56% को जी मिचलाने और 37% को गले में खराश भी थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि बैक थ्रू संक्रमण पर नजर रखनी चाहिए और इलाज और नया टीका तैयार करने में मदद इसी से मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को पार्टी के 22 प्रकोष्ठों के संयोजकों और सह संयोजकों की घोषणा कर दी है। लखनऊ के प्रशांत अचल को कानूनी और विधि प्रकोष्ठ का संयोजक बना दिया गया है। इसके साथ ही प्रयागराज के रंजीत कुशवाहा, अरविंद सिंह, एटा के पंकज गुप्ता और बदायूं के स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता को संघ संयोजक बनाया गया है। साथ ही साथ कानपुर के अनिल कुमार मिश्र को प्रबंधक कोष्ठ प्रकोष्ठ का संयोजक बना दिया गया है। इसके साथ ही लखनऊ के चंद्र भषण पांडे और कानपुर के राघवेंद्र सिंह, प्रताप गढ़ के ओम प्रकाश त्रिपाठी और मेरठ के मनोज सिवाच को ये संयोजक बनाया गया है। कुशीनगर के ओपी मिश्रा व्यवसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक बनाए गए हैं, जबकि लखनऊ के उदय प्रताप सिंह और नीरज गुप्ता, गाजियाबाद के पवन गोयल और बरेली के संभव शील को संयोजक बनाया गया है। देवरिया के डॉक्टर अभय मणि त्रिपाठी को चिकित्सा प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया गया है। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर के डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौधरी, आजमगढ़ के डॉक्टर अशोक सिंह, बरेली के डॉक्टर प्रमोद महेश्वरी और हमीरपुर के डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह लोधी को सह संयोजक बनाया गया है। इसके साथ ही लखनऊ के सुधीर हलवालिया अतिथि प्रकोष्ठ के संयोजक होंगे। इसके साथ ही बता दें प्रयागराज में नारायण जायसवाल, गोरखपुर से संजीव रंजन अग्रवाल, सहारनपुर के शिव कुमार गुप्ता और कानपुर के संजीव पाठक बॉबी को सह संयोजक बनाया गया है। इसके साथ ही मेरठ के विनीत अग्रवाल शारदा को व्यापार प्रकोष्ठ का संयोजक, बुलंदशहर के सुनील रामा, कानपुर के मुकुंद मिश्रा, बलरामपुर के अनूप चंद्र गुप्ता और वाराणसी के राजकुमार शर्मा को सह संयोजक बनाया गया है। इसके साथ ही बुलंदशहर के डीके शर्मा को सहकारिता प्रकोष्ठ का संयोजक और साथ ही साथ शाहजहांपुर को आलोक सिंह, मथुरा के ओम प्रकाश सिंह, सुल्तानपुर के रामचंद्र मिश्रा और बांदा के पुरुषोत्तम पांडे को सह संयोजक बनाया गया है। इसके साथ ही सहारनपुर के कर्नल राजीव रावत को पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया गया है। वहीं फरुखाबाद से वीरेंद्र सिंह राठौर और फरुखाबाद की राखी को भी सह संयोजक बना दिया गया है। कानपुर के रवि सतीजा को सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया तो लखनऊ की नीरा वर्षा सिन्हा, वाराणसी के दीपक सिंह, अयोध्या की मानसी द्विवेदी और लखनऊ के गौरव अवस्थी को सह संयोजक बना दिया गया है। वहीं भदोही के आरजी पाल को बुनकर प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया गया है। वहीं लखनऊ की शिप्रा शुक्ला, मुजफ्फरनगर के मोहनलाल केरी को संयोजक बना दिया गया है। वहीं संसद का मानसून सत्र कल
19 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बता दें बैठक सुबह 11 बजे बुलाई गई है और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से सभी दलों को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। बता दें बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, साथ ही बैठक में सत्ता पक्ष विपक्ष से मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपील की जाएगी। संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा है और संसद का मानसून सत्र बता दे 19 जुलाई यानी कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान संसद में 19 दिन कामकाज चलेगा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ये संसद का पहला सत्र होने जा रहा है। मानसून सत्र के इस बार हंगामेदार होने की पूरी आशंका है। दरअसल विपक्षी पार्टियां बीजेपी सरकार को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, कोविड को प्रबंधन और वैक्सीन की किल्लत और विदेशी नीति राफेल डील समेत जैसे कई मुद्दों पर घेर सकती है। इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद की कार्यवाही शुरू होने के दौरान कोरोना संबंधित सभी नियमों का पालन किया जाएगा। जिन लोगों ने टीके की दोनों डोज लगवा ली है उन्हें संसद परिसर में प्रवेश से पहले आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। वहीं लोकसभा सचिवालय के मुताबिक राज्यसभा के 231 सांसदों में से 200 सांसदों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है, जबकि 16 ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ही दी है। वहीं लोकसभा में 540 में से 470 सांसदों ने कम से कम टीके की एक खुराक ली ही है। तो बता दें कल से मानसून सत्र शुरू होने वाला है और 13 अगस्त तक ये मानसून सत्र इस बार चलेगा। कर्नाटक में संगठन के अंदर संतुलन बनाने के लिए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को इस्तीफे पर तैयार करने के बाद बीजेपी नेतृत्व की निगाहें 5 अन्य राज्यों पर भी हैं। नेतृत्व लगातार पार्टी शासित हरियाणा, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में भी समय रहते संगठन और सरकार का चुरुस्त दुरुस्त करने के लिए अहम बदलाव करने पर मंथन कर रहा है। अगस्त महीने तक इन राज्यों में बदलावों को अंतिम रूप देने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर भी जल्द माथापच्ची की जाएगी। बता दें कि येदियुरप्पा के अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी शुक्रवार को ही दिल्ली बुलाए गए थे। इसमें येदियुरप्पा के अलावा त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे थे। बता दें इस मुलाकात की जानकारी खुद शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दी थी और निर्देश मिलने की भी बात उन्होंने कही थी। सूत्रों का कहना है कि इन तीनों राज्यों में नेतृत्व बड़ा बदलाव करना चाहता है। इसमें नेतृत्व परिवर्तन के साथ मंत्रिमंडल और संगठन में व्यापक फेरबदल के विकल्पों पर भी विचार हो रहा है। इसके अलावा पार्टी नेतृत्व राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर भी लगातार माथापच्ची कर रहा है। इन दोनों राज्यों में बीजेपी बड़ी सियासी ताकत है। नेतृत्व चाहता है कि चुनाव आने से पहले इन सभी राज्यों में अहम बदलाव कर असंतोष से जल्द ही जल्द निपटा जाए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच कोविड के दीर्घकालिक लक्षण के मामले पिछले साल इस अवधि की तुलना में 4 गुना बढ़ गए हैं। दिल्ली के अपोलो अस्पताल ने अपने अध्ययन में बताया है कि कोरोना से लंबे समय तक संक्रमित रहने वालों में लक्षणों और संक्रमण से उभरने के बाद की जटिलताओं के मामले पिछले साल की तुलना में 4 गुना बढ़े हैं। ये महामारी की दूसरी लहर के बाद हुआ है और अध्ययन के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर की तुलना में काफी ज्यादा संक्रामक थी। इस बार वायरस का चिंताजनक स्वरूप अलग था और नए लक्षण थे। इसमें तेज बुखार, फेफड़ों में गंभीर संक्रमण और इसके बाद कोरोना के दीर्घकालिक लक्षण और कोरोना से उभरने के बाद की जटिलताएं शामिल हैं। अध्ययन के मुताबिक संक्रमित पाए जाने के 8 दिन या इससे भी ज्यादा समय के बाद ऑक्सीजन का स्तर गिरना और फेफड़ों में फाइब्रोसिस देखा गया है। उन्होंने बताया कि संक्रमित पाए जाने के बाद 20 से 30 दिन बाद कोरोना के दीर्घकालिक लक्षण और कोरोना से उभरने के बाद की जटिलताओं को लेकर बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती किए गए थे। दिल्ली के निजी अस्पतालों में न्यूरो विभाग द्वारा किए गए अध्ययन में यह भी सामने आया है कि कोरोना से ठीक होने के बाद 20 से 25 रोगियों में थकान, ब्रेन फॉगिंग, उल्टी, निरंतर चिंता की स्थिति भी देखी गई है। इन मरीजों में ज्यादातर युवा वर्ग भी शामिल है। न्यूरो विशेषज्ञों ने कहा कि संक्रमितों में 2 महीने के बाद भी ब्रेन फॉगिंग लक्षण देखे गए और 6 से 8 सप्ताह के भीतर गंभीर बीमारी न्यूरोपैथी के मामले भी सामने आए हैं।
राज्यसभा सदस्य और असम प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नव नियुक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक के कथित तौर पर बांग्लादेशी होने के आरोपों की जांच कराने की मांग की है। हालांकि प्रमाणिक के करीबी और पश्चिम बंगाल के बीजेपी लोकसभा सांसद ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि मंत्री का जन्म पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा भारत में ही हुई है। वहीं तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए पूछा कि केंद्र सरकार ने ऐसी सुरक्षा खामी कैसे होने दी। प्रधानमंत्री को लिखे और ट्विटर पर साझा किए गए पत्र में बोरा ने दावा किया कि बारात बांग्ला रिपब्लिक टीवी त्रिपुरा डिजिटल और मीडिया इंडिया टुडे और बिजनेस स्टैंडर्ड्स ने अपनी खबर में बताया है कि प्रमाणिक बांग्लादेशी नागरिक हैं। खबरों की माने तो सांसद ने दावा किया है कि मंत्री का जन्म स्थान हरिनाथपुर हुआ है जो बांग्लादेश के करीब आता है और जिले के पलासबाड़ी पुलिस थाने के अंतर्गत आता है और खबर है कि कंप्यूटर की पढ़ाई करने के लिए पश्चिम बंगाल वो आए थे। बोरा ने दावा किया है कि कंप्यूटर विषय में उपाधि मिलने के बाद पहले वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। साथ ही साथ बिहार से सांसद भी चुने गए। बोरा ने दावा किया कि समाचार चैनलों के मुताबिक प्रमाणिक ने छेड़छाड़ कर चुनावी नामांकन पत्र में अपना पता कूच बिहार दिखाया है। साथ ही चैनलों ने बांग्लादेश स्थित उनके पैतृक गांव का नाम भी लिखा था, जिसके बाद उनके बड़े भाई और कुछ ग्रामीण प्रमाणिक के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनने पर संतोष व्यक्त कर रहे हैं। बोरा ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो देश के लिए बेहद गंभीर मामला है कि और एक विदेशी को केंद्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है, इसीलिए चिंताजनक मामला है। इसीलिए मैं आपसे ये मांग करता हूं कि निश्चित प्रमाणिक के जन्म स्थान और राष्ट्रीयता की जांच पारदर्शी तरीके से कराई जाए ताकि देश में उत्पन्न भ्रम की स्थिति को दूर किया जा सके। बता दें, पश्चिम बंगाल के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के राज्य मंत्री इंद्रनील सेन ने एक ट्विटर पर पोस्ट किया था, जिसमें पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये जानकर हैरान और स्तब्ध हूं कि केंद्रीय मंत्री निश्चित प्रमाणिक बांग्लादेश के नागरिक हो सकते हैं। अगर मौजूदा केंद्रीय मंत्री और एक विदेशी नागरिक हैं, तो ये भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक और चिंता का विषय है। नरेंद्र मोदी सरकार इस तरह की सुरक्षा चूक कैसे होने दे सकती है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के महासचिव उन्होंने कहा कि आरोप कोई आधार आरोप का नहीं है, बस ने कहा कि अगर इस मुद्दे को और तूल देना चाहते हैं तो तृणमूल कांग्रेस अदालत जाने के लिए स्वतंत्र है। इससे पहले जब प्रमाणिक के करीबी सूत्रों से जानकारी मिली थी तो उन्होंने कहा था कि मंत्री देशभक्त भारतीय हैं जिनका जन्म पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा भारत में की हुई है और कहा कि उन पर लगाए जा रहे आरोप निराधार है। सूत्रों ने कहा कि अगर मंत्री के कुछ रिश्तेदार दूसरे देश में जश्न मना रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर कैनेडा के सांसद के भारतीय रिश्तेदार गर्व महसूस कर सकते हैं तो भारत में उत्सव मनाते हैं तो उससे कैनेडा के सांसद को क्या लेना देना। एक सूत्र ने कहा कि ये उसी तरह का मामला हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बोरा पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि सांसद पता होना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया। इंद्रेश कुमार ने यह भी बयान इमरान खान के उस